बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल हमारा एक कैलकुलेटर बनाने से रिलेटेड है कि हम किस तरह एक कैलकुलेटर बना सकते हैं विजुअल स्टूडियो में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सी शार्प यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। इसमें मैं आपको कैलकुलेटर डिज़ाइन करना और उसकी बैकिंग की जो कोडिंग होगी वो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको करके भी दिखाऊंगा और साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके और आप खुद से ये बना सकें। तो चलिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। विजुअल स्टूडियो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और इसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम नाम रख लेते हैं एप्लीकेशन का, तो इसको ओके करते हैं। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये फॉर्म अवेलेबल है। हम इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करेंगे कैलकुलेटर सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बॉक्स लेंगे ताकि हमारे बटन्स की अलाइनमेंट बेहतर हो सके। तो हम ग्रुप बॉक्स के अंदर ही अपने तमाम बटन्स को यूज़ करेंगे जी। इस ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट हम रिमूव कर देते हैं, और एक तो हम इसका बैक कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। आई थिंक फुल फॉर्म का हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग जो है आप ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट एज ए सैम्पल आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो ग्रुप बॉक्स हमने ले लिया है, अब एक बटन लेते हैं। इसकी लेंथ विड्थ जो है वो हम 40x40 की सेट कर लेते हैं। सॉरी, मैंने लोकेशन सेट की है, इसकी लेंथ विड्थ सेट करनी थी। साइज जी, आई थिंक साइज अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 45 कर लेते हैं जी। इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारे तमाम बटन्स की जो लेंथ विड्थ है उसका साइज है वो सेम हो। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जी, यहाँ से ये जो है ये 9 बटन्स हमारे 1 to 9 तक हो जाएंगे। ठीक है, और ये हम 0 पॉइंट और इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और ये 4 हम यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इसको ज़रा अब हम इसके अलाइनमेंट बेहतर कर लेते हैं मज़ीद ग्रुप बॉक्स के अंदर। जी, अब इनका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बटन्स। जो बटन जिस लोकेशन पे है, हम इन बटन को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, 2 एंड सो ऑन। हम इसको 1 से 9 तक हम इनका टैक्स सेट करेंगे। जी, ये हमने 1 से 9 तक इनका टैक्स सेट कर दिया। ये जो है हमारे पास, इसको हम पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, और ये हम 0 सेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे 0 रख लें और यहाँ पे आप पॉइंट सेट कर लें, जैसा आप चाहें। आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर मौजूद है, उसी को हमने ऑलरेडी डेमो भी देखा था, हम उसी को यूज़ करते हैं जी। 0 हमने यहाँ पे रखा हुआ है और पॉइंट यहाँ पे है, तो हम वही सेम पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 कर रहे हैं और इस जगह पे पॉइंट। ये साइन जो है यहाँ पे हम इक्वल का साइन यूज कर लेंगे, और ये जो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे, प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। जी, अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे जिसके अंदर हमारा
जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो सकेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसका साइज सेट कर लेते हैं और मल्टीपल लाइंस, ताकि इसकी हम थोड़ी सी विड्थ बढ़ा सकें। आई थिंक यहाँ पे हमें तीन मजीद बटन यूज़ करने होंगे, ठीक है, बैक स्पेस का और क्लियर का। तो हम इसको थोड़ा ऊपर सेट कर लेते हैं। तीन बटन जो हैं वो भी हम एक ग्रुप बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। पहले ग्रुप बॉक्स हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टेक्स्ट रिमूव करते हैं, ठीक है। और बैक जी, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जी, एक हमने बटन यूज़ किया है बैक का और एक हमने क्लियर का। इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक इसका इंटरफेस जो है वो बेहतर डिज़ाइन हो चुका है। जी, ये मेरे पास कैलकुलेटर का इंटरफेस आ रहा है। तो अब इसके साथ मज़ीद हम इसका जो मैक्सिमाइज़ का बटन है वो हम डिसेबल करते हैं इस फॉर्म का। आई थिंक ये मिनिमाइज़ का हुआ है, ये मैक्सिमाइज़ का है, हमने इसको डिसेबल कर दिया। और अब चलते हैं हम इसके अलाइनमेंट पे। इसकी जो टैब बॉर्डर है वो सबसे पहले हम सेट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑपरेटर्स पे, बैक स्पेस पे, और सेव कर देते हैं। जी, अब हमारा नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि हमने इन बटन्स के ऊपर टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको वैल्यू असाइन करनी है हर बटन की। और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर बटन का स्पेसिफिक नेम सेट करना होगा। जैसे प्रॉपर्टीज में पहले हमने टेक्स्ट सेट किया, इसी तरह आप हम इनका नेम सेव करेंगे। हम यहाँ पे इनके नेम में चले जाते हैं, ठीक है, इसका नेम रख लेते हैं बटन 1, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको रीयूज कर सकें। सेकेंड बटन पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसका नेम रख देंगे हम बटन 2, और सो ऑन, इसी तरह बटन 3, ठीक है, एंड बटन 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आ जाएगा बटन 0, और इसके आगे हम पी लगा देते हैं पॉइंट के लिए, इक्वल ई सेट कर दिया, ठीक है, और प्लस माइनस डिवाइड, सॉरी ये मल्टीप्लाई था, और ये डिवाइड सेट हो गया जिसको हम बटन का नेम दे देते हैं जी।
बैक, और ये लास्ट वन हमारे पास बटन है क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स का भी हम नेम सेट कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का हम दे लेते हैं यहाँ पे नेम सपोज के रिजल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा ग्रुप बॉक्स सेलेक्ट किया, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉन्ट में आते हैं और साइज हम इसका 10 कर देते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड करके देखते हैं, आई थिंक बोल्ड से भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। साइज़ हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं इनका, 12 करते हैं जी, आई थिंक अब बेहतर है। ठीक है, इनका भी हम साइज़ जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, इनको बोल्ड नहीं करेंगे, जस्ट इनका साइज़ चेंज कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है इसके लिए भी हम यही करेंगे, इसका हम साइज़ जो है वो 14 करेंगे और बोल्ड में करेंगे, और इसमें लिख के देखते हैं कि इसका कैसा लिखा जा रहा है। आई थिंक एनएफ है। चलें, अब हमारी ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग इसकी जो कैलकुलेटर की है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम इस फॉर्म का नेम भी चेंज कर देते हैं, फॉर्म 1 लिखा आ रहा है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो जी हम फाइनली इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम इसकी कोडिंग पे जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट इसकी मुकम्मल कोडिंग, इसकी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले ये है कि जब हमने बटन प्रेस करना है, कोई भी बटन पे क्लिक करना है, तो वो बटन के ऊपर जो नंबर है, जो टेक्स्ट है, वो हमने यहाँ पे पहले शो करवाना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो चलें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 से। तो हम इसका क्लिक का इवेंट जनरेट करेंगे, उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करें, तो इसका क्लिक का इवेंट जनरेट हो गया। तो हम ये करेंगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। इसमें जो इसकी बाद में हम मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव करेंगे वो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, सारी चीज़ें एक बार नहीं करनी। हमने जस्ट पहले टेक्स्ट सेट करना है वो ये है कि अभी हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या चीज़ इसमें मज़ीद चेंजेस करनी है वो ये है कि अगर हम 2 टाइम्स प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे 11 लिखना चाह रहे हैं लेकिन वो 1 ही आ रहा है, क्या हो रहा है कि वो पहला टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू टेक्स्ट से जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम जब नेक्स्ट डिजिट या कोई भी और डिजिट जहाँ से प्रेस करें तो इसके साथ कॉन्केटिनेट हो, इसके साथ अपेंड हो जाए, ना कि उसको रिप्लेस करें। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम एक इंडिकेटर सेट कर लेते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं इंच, सपोज के आई ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम सेट करवाते हैं 0। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ आई इक्वल इक्वल 0, देन आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यू प्रेस की गई है वो आपने शो करवानी है, एल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसके साथ प्रीवियस वैल्यू के साथ उसको अपेंड करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अब क्लिक करता हूँ, देखें 1 क्लिक किया दोबारा, जी तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट शो होना चाहिए वो ये है कि जब इसकी वैल्यू आई की 0 होगी तो आपने उस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, और जब इसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहेंगे, अब हमने क्या करना है कि जब 1 फर्स्ट टाइम क्लिक कर लेंगे उस वक्त तो वो उसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी चाहे वो एम्प्टी है, फर्स्ट न्यू वैल्यू इंटर होगी, लेकिन जब हम उसको कंकेटिनेट करना चाहेंगे तो उस सूरत में हमें इस इंडिकेटर को चेंज करना होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू जो है इक्वल 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम तो 1 इंटर हो गया लेकिन आई की वैल्यू चेंज होने से नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा। चलें इसको हम रन करते हैं, फर्स्ट टाइम क्लिक किया 1 आ रहा है, दोबारा क्लिक किया 1, ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे वो साथ अपेंड होता जाएगा। और इसी तरह यही सेम जो हमारी लॉजिक है ये हम तमाम बटन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके, तो
चलें अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ऑफ वैल्यू वो 2 है, हमने 2 ऐड करवाना है इसके साथ, और 3 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे तमाम बटन्स के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे सेम कोड को, 4। अब ये हम 5 के लिए कर रहे हैं, 6, 7 के लिए, 8 और ये 9। नाइन के बाद हम लास्ट डिजिट जो हमारा है वो 0 है, हम उसके लिए करेंगे, जी। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं, ताकि हम फर्स्ट तो ये देखें कि हमारे जो नंबर्स हैं वो सही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0 नंबर हमारे सक्सेसफुली सही प्रिंट हो रहे हैं इसके साथ। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि हम कोई भी ऑपरेटर किस तरह यूज़ करेंगे, बल्कि उससे पहले हमें इस पॉइंट को भी यूज़ करना होगा, और पॉइंट को हम जब इसके साथ अपेंड करेंगे उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इन ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे, इन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, फिर सेकंड जो हमारा नंबर होगा जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर यूज़ होगा वो उसको हम दोबारा से लेंगे, और फिर हम फाइनली इक्वल का जो बटन होगा उसकी कोडिंग करेंगे ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले हो सके। उसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं बैक एंड क्लियर का, इसका भी हम कोड करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। एक तो हमारा इसमें डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, और इन 0 to 9 हमारे 10 डिजिट्स जो हैं उनकी हमने कोडिंग कर ली कि वो हमारे इस मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ पे रिजल्ट के अंदर शो हो रहे हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो हमारी लॉजिक्स हैं या हमारा कोड किस तरह कम्प्लीट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इस दोनों वीडियोज़ को कम्प्लीट देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर इसको कम्प्लीट कर लें, अगर कम्प्लीट ना हो सका तो हम थर्ड वीडियो के इसको बनाएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि हमारा ये कोड कंप्लीट हो सके। और मैं ये चीज़ें तमाम डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, वो इन चीज़ों को एज ए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनको तो मुकम्मल समझ आ सके कि कैसे कैसे किन स्टेप्स के तहत हम इसको कम्प्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर आपके कोई सजेशन है या आपको कोई इशू आता है प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट में, तो आप उस हवाले से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपकी हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।